नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा होगी। स्वास्थ्य ठीक है तो समझिए सब ठीक है। किसी भी व्यक्ति के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि वह तन और मन से स्वस्थ रहे। मित्रों, हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु। इन सभी 6 ऋतुओं को बांटा गया है उत्तरायण और दक्षिणायन में। उत्तरायण यानी जब सूर्य देव मकर राशि से मिथुन राशि तक भ्रमण करते हैं, ये 6 माह का कालखंड होता है। और उत्तरायण की ऋतुएं हैं शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। सूर्य देव जब कर्क राशि से धनु राशि तक विचरण करते हैं तो दक्षिणायन होता है, और ये भी 6 माह का कालखंड होता है। इस अयन की भी 3 ऋतुएं हैं, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। दक्षिणायन मध्य जुलाई से मध्य जनवरी तक रहता है, तो इस समय अभी दक्षिणायन गतिमान है। वैसे मित्रों, मुख्यतया 2 ऋतुएं हैं, शीत और ग्रीष्म, और इन दोनों ऋतुओं का मिलन 2 बार होता है, चैत्र में और आश्विन मास में। आयुर्वेद में कहते हैं, और उनका ये मुख्य सिद्धांत भी है, कि ऋतुओं के संधि काल में व्याधियां उत्पन्न होती हैं, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने 9 दुर्गा में व्रत और उपवास के महत्व को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बतलाया है। क्योंकि ये कालखंड होता है संधि काल का, जब एक ऋतु समाप्त तो दूसरी शुरू होने को होती है। हर वर्ष इन्हीं संधि काल में बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसा आप सभी देख रहे होंगे। इन दिनों बीमारियां चल रही हैं, बीमारियों का प्रकोप जारी है। हालांकि कुछ ही दिनों की बात है, जब ठंड ठीक ठाक पड़ने लगेगी तब सब ठीक ठाक हो जाएगा। और आने वाले दिनों में आप लोग खूब हरी सब्जियां खाइए, मिलेंगी भी पालक, सोया मेथी, बथुआ, गाजर, फल इत्यादि खाइए और स्वास्थ्य को बढ़ाइए। अगले 3-4 महीने अब स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे रहेंगे। अभी आपको कुछ दिनों तक थोड़ी और सावधानी रखनी है। वायरल फीवर, खांसी, डेंगू, मलेरिया और इन दिनों पाचन तंत्र की भी खराबी, ये सब चल रहा है, इसलिए अभी कुछ दिनों तक सेहत का ख्याल रखें। वैसे कार्तिक मास है और शरद ऋतु चल रही है, सूर्य तुला राशि में अब प्रवेश कर चुके हैं। धीरे धीरे रोगाणुओं, जीवाणुओं के प्रकोप में अंकुश लग जाएगा। अब जो कालखंड होगा उसमें आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाइए ताकि स्वस्थ रह सकें। मित्रों, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी मजबूत रहेगी हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे। वैसे शारदीय नवरात्र की समाप्ति के बाद रोग ग्रस्त होने की संभावनाएं कम होने लगती हैं, लेकिन अभी भी लोग जो सेहत के प्रति लापरवाही रखे हैं, बीमार हो रहे हैं। बुखार खांसी के साथ साथ इन दिनों उदर रोग भी खूब होते हैं, पाचन तंत्र की समस्याएं रहती हैं। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो सूर्य को पाचन का कारक माना गया है। पाचन तंत्र अच्छा रहे इसलिए सूर्य देव की कृपा बहुत जरूरी होती है। कुंडली में यदि सूर्य देव अच्छी स्थिति में है तो उस व्यक्ति का, जातक का पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों शनि केतु की युति भी चल रही है गोचर में, जो रोग के से उत्पन्न होने वाले दर्द देती है, अतिसार रोगों को बढ़ावा देती है। अतः सावधानी रखें, खान पान तो अच्छा रखें ही, शनिदेव और केतु के उपाय भी करते रहें। मित्रों, सूर्य दक्षिणायन में है और सूर्य की तुलना में अब चंद्रमा अधिक शक्तिशाली रहेंगे। बादल और ठंडी हवाओं के कारण ठंडी रहेगी, व्यक्ति की शक्ति में वृद्धि होगी।
अब बदले हुए मौसम के अनुसार हमें अपना खान पान भी बदलना होगा, जीवन शैली और आदतें बदलनी होंगी। तो शीत ऋतु का आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।